नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद, जहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ बने हैं, उसके बाद देखा जा रहा है कि नीमच शहर में कई बार ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हमेशा भाजपा के कार्यकर्ता सुर्खियों में रहते हैं, चाहे अवैध अतिक्रमण की बात हो, घुमटियों की बात हो, हर जगह भाजपा के नुमाइंदे दिखाई देते। तो हम बात करेंगे आखिर उन मुद्दों को लेकर क्या अब कांग्रेस अपनी खामोशी तोड़ेगी, क्या उन मुद्दों को उठाया जाएगा। एक जनहित में एक छोटा सा आदमी होता है तो उसकी घुमटी उठाने के लिए भाजपा के नुमाइंदे तुरंत कार्रवाई करते, पर जब भाजपा के दिग्गजों की बात आती थी तो वहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। कई ऐसे नीमच शहर में भी मामले हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सत्तू भैया, मुझे बताइए लगातार शहर में जो मामले चल रहे हैं उनको लेकर कांग्रेस क्या मुद्दे उठाएगी, क्या रहेगा? सर, सबसे पहले हमारी जो कांग्रेस पार्टी सरकार बनी, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और पूरा मंत्रिमंडल बना, और उनने पहली प्राथमिकता है कि गरीब के साथ जो अत्याचार भाजपा सरकार ने 15 सालों में किया, उनको सबको, जो घुमटियों का मामला हो, चाहे आप बता रहे दूसरे अन्य मामले हो, हमेशा तत्पर हम जनता के साथ खड़े रहेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे। चाहे यह नगरपालिका भाजपा की है, पर लेकिन हम जो हमारे जो गरीब तबका है, चाहे घुमटी व्यवसाय है, चाहे व्यापारी व्यवसाय है, उनके साथ कंधे से कंधा के मिला के खड़े रहेंगे। और आदरणीय कमलनाथ जी का जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र दिया था कि हम किसानों के साथ 2 लाख रुपये का कर्जा माफ़ करेंगे, वो हमने 10 दिन का वादा किया था, हमने 10 मिनट के अंदर वो कर्जा माफ़ किया। और चाहे आंगनबाड़ी का मामला हो, आंगनबाड़ी को मानदेय बढ़ाया, उसके बाद जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके भी प्रोत्साहन राशि के रूप में 2000 रुपये किए, जो प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोलने का जो वचन पत्र में किया था वो हमने 10 मिनट में आदेश जारी किए हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो किसानों के हित में हैं, व्यापारियों के हित में, हमने सब आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और कमलनाथ जी ने 10 दिन का काम 10 मिनट में किया है। पहले कभी फिल्मों में देखते थे, पहले ये भी अपन इमेज की बात करें तो यहाँ देखा जा रहा है कि कमल चौक पर कुछ घुमटियाँ लगी हुई थी जिनको नगर पालिका अध्यक्ष ने शहर हित में उनको हटाया, गरीब लोगों को। तो आखिर ऐसा क्या है कि भाजपा पार्षदों की घुमटियाँ आज कपा दशहरा मैदान में ले लो रेंट बेस पे दी गई है, किराया चालू करके अवैध वसूली टाइप सिस्टम इन्होंने अपने अवैध 2 कमर की कमाई चालू कर ली है। अगर बात करें LIC चौराहे की तो वहाँ पे भी एक पार्षद द्वारा घुमटी रखकर उसको किराए पे दे दी गई है। तो क्या इस मुहिम के खिलाफ भी कोई कांग्रेस मुहिम चलाएगी, क्या वास्तविक में गरीब आदमी का नुकसान कर इस तरीके से सत्ताधारियों को फायदा पहुँचाना? बिल्कुल सर, जो इनने 15 साल में जिन हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके घुमटी हटाई गई है, और भाजपा के पार्षद हो, चाहे भाजपा विधायक के दलाल हो, इन लोगों ने इस शहर पर अवैध कब्जे किए हैं, चाहे पार्किंग का मामला हो, चाहे घुमटियों का मामला हो, ऐसे बहुत सारी जगह जो ज़मीनों पर कब्जा करके बैठ गए हैं, किराए पर चला रहेगी, उनके खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे और उनको हटवाएंगे और उनके हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। वो जिस गरीब आदमियों की घुमटी हटी उन्हें पुनः स्थापित कराने के लिए हम उनके लिए प्रयास करेंगे। मुझे बताइए, यहाँ पर देखा जाता है कि विधायक का पार्टी झंडा पकड़ने वाले सबसे खासम खास कहे जाने वाले संतोष पंजाबी का मामला कई समय से आपने भी सुना होगा, इंदिरा नगर में हाउसिंग बोर्ड की जो जगह है वहां पर उनके द्वारा निर्माण कर दुकान निर्माण कर दिया गया। एक गरीब का मामला होता तो नगर पालिका तुरंत कार्रवाई कर देती, यहां CMO से लगाकर नगर पालिका अध्यक्ष एक ही बहाना करते, पुलिस प्रशासन नहीं है, आज हटा देंगे कल हटा देंगे। अब चूंकि सत्ता परिवर्तन हो चुकी है तो क्या एक गरीब के साथ जो ट्रीट किया जाता है, जो नियम होते हैं, क्या वही इन भाजपा नेताओं के साथ भी होंगे या कांग्रेस सरकार में क्या होगा? सर्वप्रथम महेश जी, मैं आपको बता दूं कि सत्ता परिवर्तन का जो आगाज़ कमलनाथ जी ने किया है वे मेरी बात के आपकी बात के प्रत्युत्तर के लिए काफ़ी हैं। जिस तरीके से उन्होंने त्वरित कार्रवाइयाँ की हैं वे सभी इस बात का द्योतक है कि अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गरीब लोगों की घुमटियाँ उठाई गई है और स्थानीय पार्षद द्वारा वहाँ अवैध अतिक्रमण कर दुकान बना ली गई है, जिसका मामला मेरे भी जानकारी में है और काफ़ी टाइम से लंबित है, परंतु सरकार और सत्ता के दबाव में अधिकारी चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, परंतु अब इनकी छटनी की जाएगी। यदि अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा तो उसे कहीं और का रास्ता दिखाकर यहाँ जो त्वरित और न्यायपूर्ण कार्रवाई है वो सब करने वाले अधिकारियों को यहाँ स्थानांतरित किया जाएगा, और आप देखेंगे कि अब शहर में जो न्याय के साथ काम होने चाहिए वो सारे काम होंगे। ये जो हमारे साथ में कांग्रेस नेता, इनका कहना है कि बिल्कुल अब सत्ता परिवर्तन के बाद कहीं पर भी कोई भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली नहीं चलेगी, जनहित में जो काम है वो सारे काम होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ एक सत्ता के दम पर जो अवैध कारोबार चल रहे थे, जहां सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा था, सबसे प्राथमिकता से उन मुद्दों पर काम करेगी। और कांग्रेस का कहना है कि जनहित के सारे मुद्दों पर काम किया जाएगा। मैं हूँ महेश जैन, प्रदेश हलचल।